हेलो फ्रेंड्स, मौसम चाहे गर्मियों का हो या सर्दियों का, अगर हम आइसक्रीम पार्लर जाएं तो हमारी नज़र जाती है सिर्फ संडे आइसक्रीम पर। तो आज हमारी किचन में हम बनाने वाले हैं टैम्पटिंग सी बनाना स्प्लिट संडे आइसक्रीम, जिसे देखकर शायद ही आप में से कोई कंट्रोल कर पाएगा और बचपन की वो सारी यादें ताज़ा हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमें एक बनाना लेना है और उसे पील कर लेना है। दोस्तों, वैसे ही बनाना स्प्लिट आइसक्रीम बनाना इतना इजी है कि वीडियो के खत्म होने से पहले तो मुझे यकीन है आप इसे तैयार कर लेंगे। तो एक फ्रेश बनाना लेकर इसे पील करके हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं। कट करके हम इसे एक बोट शेप देकर प्लेस कर देंगे। तो देखिए, हमने इसके दोनों हिस्सों को एक बोट शेप देकर प्लेस कर दिया है। अब इसमें हमें लेने हैं आइसक्रीम के 2 या 3 स्कूप। तो ये आपके बनाना की साइज पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने स्कूप डालते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के स्कूप्स भी यूज कर सकते हैं। बनाना स्प्लिट आइसक्रीम के इतने वर्जन हैं कि आप किसी भी तरीके से इसे बना सकते हैं। तो आइसक्रीम लेकर आप इसमें चॉकलेट सॉस डाल लेंगे। इसके बाद हमें इसमें डालना है कलरफुल स्प्रिंकल्स। जी हाँ, बच्चों को हो या बड़ों को, सबको ही कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। अब इसमें हम रोस्टेड नट्स डाल लेंगे। इसमें अखरोट, बादाम, काजू, किसी भी तरह के नट्स रोस्ट करके आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालना है टूटी फ्रूटी। जी हाँ, चेरी। चेरी की जगह आप जेली का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके घर में दोनों हो तो आप इसमें दोनों भी डाल सकते हैं। मैंने कहा ना, जितना कलरफुल ये दिखेगा उतना ही ये टेम्पटिंग भी दिखेगा। तो नाउ बारी है चेरी ऑन द टॉप की। तो आप 2 चेरीज लेकर अपने स्कूप पर प्लेस कर दीजिए। तो देखिए कितना सिंपल है इसे बनाना, और दिखने में ये बहुत ही टेम्पटिंग दिख रही है। तो तैयार है हमारी बनाना स्प्लिट आइसक्रीम। तो जल्दी से आप इसे बना लीजिए और हमारी इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।